और जिंदा न बचे। सुबह हो जो हमारा सब माधोपुर का किला चारों तरफ से आ गया तो माधोपुर का चक्कर खाक हो गए, मेरा दुश्मन भी मर जाए। भैया परकिया सुनो भैया का कृपा सुचल ना या तुम्हारे जरूर के बारे में सुबह हुए लोगे करके लाश निकल रही है। ये ठाकुर अर्जुन सिंह के पत्नी माधु की लाश है। इसका चिता लगेगा तो सामने शमशान घाट पर लगेगा। उसकी चिता में आप देने के लिए शमशान जरूर आएगा। वहां पर आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आओ शमशान घाट पर ऐसा पैर लगाते हैं बिल्कुल सारे रास्ते चक्का सुबह हुए उठा हुआ सुबह क्या हुआ सारे तरह में आप सुबह गुजरे के कहा बात बताओ आप फिर वो खाते आओ बोले क्यों नहीं भैया नहीं भैया कितने आदमी लगते हैं ये दोनों सारे क्या हुआ ये चीज चीज देते थे लेकिन आज अपनी माता पिता को आप देने वाले हुई है इसलिए मैं चिता में आप ठीक लगाता हूं। मैं अपने घर को अपना बड़ा बेटा देखा अच्छा नहीं किया मेरी आंख से दूर होगा जितनी जल्दी हो सके मेरी आंखों से दूर होगा। आज तेरी हिफाजत मुझे ये दिल देखने को मिल रहा है तेरे हाथ लाता अपने वो पूछेगा पिताजी ये मेरी माँ है माँ की चिंता में हमारे का फिर बेटे को होता है नहीं रहा चाहिए नहीं वो आशीन नहीं
मुझसे चिता मेरा घरवा नहीं हुआ चिता मेरा मैं खुद घरवा हुआ मैं है कौन किसका फांदा तेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और तू मुझे फांदा उतार रहा है समय भाई भाई चल के अंदर पहुंच चुके हैं जो हम भाई भाई को चल के बाहर निकालते हैं और महारानी पद्मावती के हाथ से तुम्हारा रथ यात्रा इंकार करती है कि अर्जुन सिंह को मोहरा बना करके उन पर दबा डाला पीछे पहचान गया और इशारे से पूछने लगा तो अपने भाई से इशारे से कहने लगा कि हमने इन्हीं भाई को राजकुमार को सौंपा है ये मेरे भाई जा है इन्होंने आपको कोई अनाज सौंपी है क्या गुरु जी ये आपके छोटे भाई हाँ आज के 20 साल पहले इन भाई साहब ने मुझे छोटा सा बच्चा दिया था और इसके गले में ये हार लगा इसका सूरज ही महारानी का हा गुरु जी सूरज ही महारानी का असली राजकुमार है सरदार जी भलाइए नहीं देखिए वो सूरज दौड़ते हुए आए परेशान हुए मुझे मिल गए समझ लीजिए दुनिया की सारी दौलत आज मुझे मिल गई तुम रियासत महारानी पद्मावती के राजकुमार हो नहीं नहीं गुरु जी मैं तो नहीं कहता था क्या नहीं बेटा गुरु जी जो कह रहे हैं हाँ सूरज आगे बढ़ो विश्वास करो जब रात तक रुकवाना था सारी बातें तुमको मैंने बताई थी अधूरी बातें माँ के पास पहुंचोगे तो मान भुजा दिए वही मेरे भाईजा हैं जिन्होंने बताई है लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ जो हवर भी परेशान नजर जी क्या हुआ मेरा घर जला दिया वो सारी टांग में मेरी माँ जला कर राज हो गई लेकिन तुम्हारा घर जलाने वाला कौन सकता है मेरा दुश्मन शमशेर सिंह व भवानी सिंह भवानी सिंह व शमशेर सिंह उन दोनों के पाप का फल भक्त पाए सभी के लिए तैयार हो जाओ प्रभात में जितने भी बाबी है सभी बाबियों को मारकर उनकी नदी गुरु जी आपकी सारी दिगर है जाओ के अंदर जाओ
कृष्ण को महारानी पद्मावती को लेकर आओ, जल्दी जाओ। बहुत जब कीजिए धृतराष्ट्र में दो हजारे है धर्मा जल के अंदर से क्या देखता है सिद्ध हो जाता है। ये काशी महारानी के हाथ में हथकड़ी लगा कर आ रही है। शाबाश भक्त मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। तुम इसी तरह बैठ जाओ भाई भाई के बीच में ये पड़ा तैयार कर चुकी है जोशी ने संभाग अपनी बहन पद्मावती को भाग्य करते नहीं तो तुम्हारे हक में बहुत बड़ा पूरा होगा। मैं बात क्या देखते हो कभी नहीं करूं। बहन आपकी बात क्या है? आप तो कहे थे कि मैं से गोद ले रहे हो और बाह होने पर तुम बात नहीं सुना रहे हो। तुम सुना रहे हो कि तुम्हारा बेटा है तो कौन है भैया? ये भान सिंह का बेटा है। तुम्हारे बेटे को ये खाने से कहां गया कर रखा है भैया? सहाय से हाथ में खोल दे